नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको ले चलते रुद्रपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा, पांचों सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की पांचों सीट जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति, इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नव निर्माण की जो सफल यात्रा है उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद वो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, चाहे वो सीएए का कानून हो या कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा वहां करनी हो। भाइयों बहनों, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे फैसले हैं जिन्हें हम नहीं पूरी दुनिया, पूरा भारत सदियों तक याद रखेगा। मेरा मानना है ऐसे ऐतिहासिक फैसले कोई ले सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज उन्होंने हमारे यहाँ आकर हम सबको गौरवान्वित किया। भाइयों बहनों, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं जिस प्रकार से हम सब लोग उनको हृदय से प्रेम करते हैं उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमेशा उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड के लिए अगर पिछले 10 वर्षों में मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहां स्वीकृत हुई हैं, अनेक काम स्वीकृत हुए हैं जिन योजनाओं के बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं हमको मिली है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हम तेजी से रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थ एवं तुष्टिकरण के कारण ठंडे वस्तुओं में डालने का काम किया था। भाइयों बहनों, विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस ने जनता को वर्षों तक केवल और केवल यहाँ लूटने का काम किया है। अपने समय में कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल कारनामे किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहाँ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच चुका है, वहीं कांग्रेस अपने राजकुमार को बार बार लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। हद तो यह है भाइयों बहनों, जब मोदी जी कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ तो कांग्रेस कहती है मोदी को मिटाओ और गांधी परिवार को बचाओ, क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तराखंड के
कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं आपके बीच में एक पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चला है देश, सपने हुए साकार अभी तक, अब अगले की बारी है, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से जीत की तैयारी है, विकसित होगा भारत एक दिन, यही रह गया आपसे, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूं कुछ चंद शब्दों के साथ। हर्ष है, उल्लास है, आज हमारे बीच में जन जन की आस है, देवभूमि दे रही आपको अपना दुलार है, ऐ राष्ट्र नायक आपको वंदन बार बार है, वंदन बार बार है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम सबको इस विजय रैली, शंखनाद रैली में संबोधित करने के लिए आग्रह करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मां नंदा देवी की जय, जय बाबा गोलजो, जय श्री राज राजेश्वरी। भाई कैसे है रोल हाल चाल? देवभूमि उत्तराखंड में ये मेरी पहली चुनावी सभा है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि प्रचार सभा है कि विजय सभा है। ये जो सज्जन बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हैं, मेरी माता जी का भी चित्र लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन आप ये ऊंचा करते तो पीछे वाले देख नहीं पाते हैं, क्या आप इसको नीचे रख देंगे? इसको नीचे रख देंगे आप? आपने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया, और इसलिए जितने अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जो लोग
देव भूमि का यह आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देव भूमि कहर गांव से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, और ये चुनावी सभा भी ऐसे क्षेत्र में हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, और एक प्रकार से ये देवभूमि के भी आशीर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशीर्वाद है। मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं, और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देव भूमि के ध्यान से ही, देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है, और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। यहां की 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। यहां करीब 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड दिए गए हैं। उत्तराखंड के 35 लाख लोगों के पास पहले बैंक में खाते तक नहीं थे, भाजपा सरकार ने 35 लाख लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं, उन्हों बैंकों से जोड़ा। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के छोटे किसानों के बैंक खातों में 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं।
भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं, जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है, तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा, मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल जीरो हो, बिजली का बिल जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इससे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसके घर में 3-4 पंखे हो, एकाध दो एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की बात हो, तो करीब करीब उसको 300 यूनिट बिजली खपती है। ये 300 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और जरूरत से ज्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी। क्या
क्या आप इस कार्य योजना का लाभ लेंगे? जीरो बिल वाली योजना का लाभ लेंगे? तो उसकी एप्लीकेशन कर दीजिए, उसका एप्लीकेशन का काम चालू है। आपके इस सेवक ने बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना भी बनाई है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को लाखों रुपयों का ड्रोन दिया जा रहा है और हमारे लिए गर्व की बात है, गांव गांव हमारी बहनें ड्रोन पायलट बन रही है। इसका भी बड़ा लाभ यहां देवभूमि मेरे उत्तराखंड की बहनों बेटियों को भी होगा। साथियों, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है, हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। मेरा प्रयास है कि केदारखंड की तरह ही मानस खंड से भी देश और दुनिया और अधिक परिचित हो। पिछले वर्ष मैं आदि कैलाश गया था, तब पूरे देश ने इस क्षेत्र के अद्भुत सामर्थ्य को देखा था। और अभी मुझे अजय जी बता रहे थे कि पहले तो आदि कैलाश को कोई जानता नहीं था, कभी कभार लोग आते थे, संख्या माह मुश्किल से 5,000 होती थी, अब यह आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है। साथियों, खेती हो, पर्यटन हो या फिर इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं बनने जा रही है। मैं उत्तराखंड के नौजवानों से कहूंगा, मेरे हर भाई बहन से मैं कहना चाहूंगा, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बीते वर्षों में यहां से पलायन रुका है, वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए साथी वापस लौटेंगे। भाई और बहनों, मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं।
कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी, 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, दो टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा CAA के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उनमें से अधिकतर दलित परिवार है, हमारे सिख भाई बहन हैं, हमारे बंगाली भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस इन लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। कांग्रेस कितना भी घोर विरोध करे, इन लोगों के पास मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, इस धरती का संबंध तो
गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उदासी संत गुरु राम राय जी से है। कांग्रेस ने देश का ऐसा बंटवारा किया कि गुरु नानक जी की उस पवित्र धरती हमसे छीन गई। दशकों तक अपने गुरु को हमें दूरबीन से देखना पड़ा। अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। कांग्रेस कमजोरी न दिखाती तो हमारी सीमाओं पर नजर डालने की किसी की हिम्मत न होती, इतने बड़े सीमा विवाद न होता। कांग्रेस ने कैसे अपने हाथों से मां भारती के टुकड़े किए, इसका एक और ताजा उदाहरण देश के सामने आया है। ये हमारा उत्तराखंड तो वीर माताओं की भूमि है जो वीर संतानों को जन्म देती है। यहां के वीर संतान मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी अभी जो एक बात सामने आई है, तमिलनाडु की बात तो तमिलनाडु की है लेकिन ये वीरों की भूमि है, मातृभूमि की भक्ति क्या होती है उत्तराखंड को सिखाना नहीं पड़ता। उत्तराखंड के लोगों को भी ये कांग्रेस का गुना जानना जरूरी है। तमिलनाडु के पास समंदर में एक कच्छा द्वीप टापू है, द्वीप है, वो द्वीप भारत का हिस्सा था लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया। अरे गलती से चला जाता है तो उसे गिरफ्तार किया लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस जो भारत के टुकड़े करने के उनके नेता बात करते हो, जो कच्छ थी वो को दे देते हो, क्या वो देश की रक्षा कर सकती है? जरा पूरी ताकत से बताइए, देश की रक्षा कर सकती है? क्या कांग्रेस देश की रक्षा कर सकती है? भाई और बहनों, कांग्रेस ने तो देश के सीमावर्ती गांवों को भी देश का आखिरी गांव मानकर वहां विकास करना बंद कर दिया था। ये भाजपा की सरकार है जिसने सीमा किनारे बसे गांवों को देश का प्रथम गांव माना है, वहां तेज गति से विकास किया है। कांग्रेस की सरकार रहती तो आज भी पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल पाती, लेकिन मोदी ने सैनिक परिवारों को गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। आज देश भर के सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। इसमें से उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को लाभ हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, नियत सही तो नतीजे सही। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी
मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब दो सवा दो महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आने वाले 5 साल अभूतपूर्व काम के और देश हित में बड़े फैसलों के होंगे, लेकिन इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको मोदी को और मजबूत करना होगा। करोगे? करोगे? जरा सबके समय हाथ ऊपर करके बताओ, मोदी को मजबूत करोगे? मोदी को नई ताकत दोगे? मोदी को नई ऊर्जा दोगे? उत्तराखंड की सारी सीटों पर भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय दिलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। नैनीताल उधम सिंह नगर से हमारे साथी अजय भट्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं, अल्मोड़ा से हमारे साथी अजय टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे और दो साथी अपने अपने क्षेत्र में हैं, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, टिहरी गढ़वाल से श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, और गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी जी, सभी को, इन पांचों मेरे साथियों को जीता करके उत्तराखंड ये कमल दिल्ली पहुंचाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसलिए आपको याद रखना है, फिर एक बार 4 जून। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आप यहां से गांव जाएंगे तो वहां जो देवी देवता है, वहां मोदी की तरफ से माथा टेकना है, करोगे? और गांव में सभी परिवारजनों को कहिएगा,
कि मोदी जी उत्तराखंड में आए थे और आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, घर घर पहुंचाओगे। और एक बात, इस बार गर्मी जरा ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, मतदान होगा कि नहीं होगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, सुबह जल्दी जल्दी मतदान होगा, जलपान से पहले मतदान होगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें अपना दायित्व निभाना है। निभाएंगे, निभाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने निजी YouTube चैनल